कोरसा तहसील के गोगुलपुरा में चल रहा था इफको की डीएपी खाद के खाली कट्टे मिले। बहुतायत में इफको डीएपी के 140 भरे कट्टे भी बरामद हुए। निम्न गुणवत्ता वाले ग्रो प्लस ग्रो मोर खाद इफको डीएपी के कट्टों में भरा जा रहा था। मकान मालिक ने कुछ दिन पहले दिया है किराए पर 500 रुपए कीमती ग्रो प्लस खाद, 1205 रुपए कीमत इफको डीएपी के कट्टों में भरा जा रहा था। ग्रो प्लस में मात्र फास्फोरस और डीएपी में है नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों। प्रशासन पुलिस कर रही कार्रवाई, खाद पैकिंग में लगे थे 8 मजदूर, पूछताछ जारी। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार, श्रीमान एसडीएम महोदय अम्बा के निर्देशानुसार, हम लोगों को ये सतत निगरानी करने के लिए बताया गया कि भाई यहाँ पे नकली खाद और ये खाद का जो अवैध संग्रहण कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं जो खाद की, उन पर कार्रवाई करने के लिए माननीय महोदय के द्वारा बार बार निर्देशित किया जा रहा था। उसी तारतम्य में आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि गोकुलपुरा पर कुछ लोग नकली खाद बना रहे हैं। तो हम लोग मौके पर उपस्थित हुए तो यहाँ पे दंगेहाथों लोगों को पकड़ा गया और ये लोग ग्रो मोर से डीएपी बना रहे थे। कब से चल रहा है काम सर ये पर? मुझे आज ही सुबह सूचना मिली, तो जैसी सूचना मिली हमने तत्काल दबिश दी मौके पे। पहले भी इन लोगों को पकड़ा गया, पहले भी कहीं माल बना के इन्हें कब कब आएगा मार्केट में गया? अब इसके बाद में जानकारी, ये जांच कर रहे हैं। विनोद सिंह तोमर की रिपोर्ट।